और रैप के मामले में हम नंबर एक पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये रैप के मामले में क्यों है, कहीं ना कहीं गलती है तो साला तो वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार, वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है। अभी तक तो विपक्ष ही प्रदेश को बलात्कार के मामले में देश में अव्वल बता रहा था, लेकिन अब तो गहलोत सरकार के मंत्री ने ही स्वीकार कर लिया है कि हाँ, हम रेप के मामले में नंबर वन है। इतना ही नहीं, मंत्री ने इसके लिए हंसते हुए बेहद शर्मनाक तर्क भी दे डाला, जिस पर अब मंत्री चौतरफा गिर गए हैं। दरअसल सरकार के UDH एवं संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने प्रदेश में बढ़ते अपराधों के मामले में बयान देते हुए कहा कि राजस्थान रेप में नंबर वन है, लेकिन क्या करें, ये मर्दों का प्रदेश जो ठहरा। और रेप के मामले में हम नंबर एक पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये रेप के मामले में क्यों है, कहीं ना कहीं गलती है तो साला तो वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार, अब उसका क्या करें, ये है नंबर एक। उनके इस बयान के बाद भाजपा को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है, इस पर हर तरफ उनकी निंदा हो रही है। गुरुवार को भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने धारीवाल के निवास के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया। BJP प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि धारीवाल ने विधानसभा में प्रदेश के बलात्कार के मामले में एक नंबर पर होने की बात बेशर्मी से कबूली है। मर्दों की आड़ में उनका महिलाओं के लिए बिना लेवल का बयान न केवल महिलाओं का अपमान है, बल्कि पुरुषों की गरिमा को गिराने वाला है। प्रियंका गांधी अब क्या कहेंगी और क्या करेंगी? कांग्रेस में नैतिकता का कुछ अंश बचा भी हो तो ऐसे बदजुबान मंत्री को कान पकड़कर बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। वहीं BJP महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष अलका मुंदड़ा ने कहा है, कैबिनेट मंत्री धारीवाल को मोर्चा की ओर से काले झंडे दिखाए जाएंगे और उनके मुंह पर कालिख पोती जाएगी, क्योंकि यह धारीवाल का बहुत ही घटिया और बेहुदा बयान है। महिलाओं के साथ रेप होने को उन्होंने मर्दानगी से जोड़ते हुए विवादित बोल बोले हैं। राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर शांति धारीवाल जी का बहुत ही घटिया और बेहुदा बयान कि राजस्थान अगर रेप केसेस में नंबर वन है तो ये मर्दों का शहर है, ये बहुत ही घटियापन की पराकाष्ठा है। क्या महिलाओं के साथ रेप होना, एक तरफ तो राजस्थान की सरकार उनको सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, ऊपर से मंत्रियों के ये विवादित बोल, क्या ये शर्म का विषय नहीं है मुख्यमंत्री महोदय? साथ ही प्रियंका गांधी जी, आप बोलती हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो आपके मंत्री को क्या आप बर्खास्त करेंगी? आप बताइए आप क्या करने जा रही है राजस्थान की महिलाओं के लिए, जो इस तरह का आपकी मंत्री महोदय बयान देते हैं और तीन महिला मंत्री वहां बैठ करके हंस रही होती है, सुन रही होती है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है, बड़े ही शर्म का विषय है। और मैं आज मेरी बहनों के साथ पुरुषों से भी आह्वान करती हूं कि इन्होंने हम न सिर्फ महिलाओं को गाली दी है, आपके लिए भी बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग किया है। क्या मेरे पुरुष भाई भी क्या सब इसी तरह के लोग हैं? मैं आपसे आह्वान करती हूं कि मंत्री महोदय का घर से बाहर निकलना बंद कर दीजिए और सब जगह उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं द्वारा और उनके मुंह पे कालिख पोती जाएगी। आप तैयार रहिए मंत्री महोदय। और मैं मुख्यमंत्री जी आपसे मैं ये प्रार्थना करती हूं कि ऐसे मंत्री महोदय को तुरंत प्रभाव से आप अपनी कैबिनेट से बर्खास्त कीजिए और सार्वजनिक मंच पे ला करके उनसे माफी मंगवाइए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।